जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी की वैकेंसीज के एडमिट कार्ड के बारे में। कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपकी जो जून में वैकेंसीज आउट की थी एयरफोर्स वैकेंसीज, जो आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2022 में वो वैकेंसीज के एडमिट कार्ड स्टार्ट हो चुके हैं। तो जल्दी सभी ट्रेड्स के आपके एडमिट कार्ड आएंगे और सभी यूनिट के आपके एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपकी ये वैकेंसीज आउट की गई थी, आपकी 18 से 24 जून की वैकेंसीज आउट की गई थी, जिसमें आपके जुलाई तक फॉर्म अप्लाई किए गए थे और उसके एडमिट कार्ड अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी आपकी प्रोसेस होने वाली है। 4/2022 की ये वैकेंसीज थी, जिसमें आप देख सकते हैं जिसका एडमिट कार्ड आया है वह आपका थम्बाराम, आपका जो चेन्नई की वैकेंसी थी जिसमें आपका HKS का एडमिट कार्ड आ चुका है। जितने भी कैंडिडेट ने जिसने फॉर्म फिल किया था उन कैंडिडेट के जल्दी सभी के एडमिट कार्ड आने वाले हैं और सभी आपके जो भी यूनिट से आपने किसी भी यूनिट से अप्लाई किया है उनके सभी के एडमिट कार्ड जल्दी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आपकी अगस्त में ही इसके एग्ज़ाम रहने वाली है, तो मैं आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ। और किसी भी कैंडिडेट का यदि एडमिट कार्ड वगैरह आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आपको सिलेबस वगैरह भी आप देख सकते हैं, इसमें सिलेबस आप देख सकते हैं, इसमें आपके जो सिलेबस में दिया गया है आप इसको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, जनरल जो रीजनिंग रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा और उसके बाद में जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल आसवस रहेगा और ट्रेड से संबंधित क्वेश्चंस भी इसमें रहने वाले हैं, इसमें साफ दिया गया है। तो ट्रेड से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको याद करके जाने होंगे। इसका 100 नंबर का आपका पेपर रहता है और जिसमें आपकी 1/4 माइनस मार्किंग भी रहती है और किसी किसी में आपकी 1/3 माइनस मार्किंग भी रहती है और कहीं कहीं पर आपकी माइनस मार्किंग नहीं रहती है। तो ये वैकेंसीज का पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया गया था, उस टाइम में जो भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया था वह अपना एडमिट कार्ड जो भी पोस्ट ऑफिस में वगैरह में चेक करते रहें। अभी जल्दी सभी डेट्स के आपके एडमिट कार्ड आपको देखने को मिलने वाले हैं और इसके जो भी कैंडिडेट हैं सिलेबस वगैरह का पूरा कंप्लीट आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध कर हो जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। मैंने वीडियो भी बहुत सारे बनाए हैं जिसमें आपको कंप्लीट बताया है कि आपको क्या क्या सिलेबस में टॉपिक वाइज रहने वाला है, तो आप वीडियो लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपको मैं एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ। कहते हैं यह एयरपोर्ट स्टेशन तंबाराम की आपके जो वैकेंसी सिविलियन रिक्रूटमेंट के लिए आपका रिटर्न टेस्ट के लिए आपका यह कोलेटर रहने वाला है जो एडमिट कार्ड आउट किया गया है। HKS के लिए इनका एडमिट कार्ड जारी किया गया है, रोल नंबर भी आप देख सकते हैं। HKS 320 आपका रोल नंबर रहने वाला है। आपके एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं 19 अगस्त को आपका इनका एग्ज़ाम रहने वाला है। शिफ्ट सेकंड में आपका इनका एग्ज़ाम रहेगा 11:30 बजे से आपका 13:30 आवर्स तक इनका एग्ज़ाम रहने वाला है। 10 बजे इनका रिपोर्टिंग टाइम है। आप एग्ज़ाम सेंटर भी देख सकते हैं, आपका तंबाराम आपका जो एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन है वही आपका रहने वाला है। जयपा एयरपोर्ट स्टेशन आपको जो आउट किया गया है आप देख सकते हैं, नीचे आपका सिग्नेचर प्रेजेंटिंग अफसर के सिग्नेचर वगैरह देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट का अभी एडमिट कार्ड आ रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, साथ में आपको क्या क्या लेके जाना है इसमें आप देख सकते हैं। इसमें आपको दो आवर्स का ड्यूरेशन का आपका पेपर रहने वाला है, मैंने बताया था आपका 2 आवर्स का आपका पेपर रहता है, जिसमें आपको जो भी कैंडिडेट है एडमिट कार्ड इसे साथ में लेके जाना है, इंक्लोजमेंट इसके साथ जो फोटो के साथ दिया है वो भी आपको साथ में लेके जाना है, कोविड गाइडलाइन को आपको कंप्लीट पूरा करना है, आपको डबल फेस का लेयर का आपको मास्क भी साथ में लेके जाना है और इसके बाद में लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आपको साथ में लेके जानी है। वो आपको जो भी यदि एग्जामिनेशन के टाइम पे आपको मांग सकते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी एप्लीकेशन के साथ आपके जो भी एडमिट कार्ड के साथ है जो भी फोटोग्राफ वगैरह भी आपको साथ में लेके जाना है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनका एडमिट कार्ड आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और जो भी 2022 की रिक्रूटमेंट एयरफोर्स की जो निकली थी उनके जल्दी सभी के एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं अपनी तैयारी में जुट जाएँ, जितने भी हैं तैयारी में लग जाएँ और अच्छे से तैयारी करके जाएँ। आपके मेरिट बहुत ही कम रहने वाले हैं, इस पर बहुत ही कम कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए थे, तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं अपने अच्छे से तैयारी करके जाएं जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो सके। धन्यवाद दोस्तों।